यूपी में ट्रैफिक पुलिस की वर्दी बदली है। आपको बता दें कि बड़ी खबर ये इस दौरान मिल रही है, यूपी में ट्रैफिक पुलिस की जो वर्दी है बदल गई है और अभी कहीं वर्दी में नजर आएगी यूपी की पुलिस और साथ ही ट्रैफिक पुलिस। तो यातायात पुलिस के कर्मी खाकी रंग के बजाय नीले रंग की वर्दी में नजर आएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रैफिक पुलिस की वर्दी बदल गई है, रंग उसका बदल गया है। ट्रैफिक इंस्पेक्टर से लेकर सिपाही तक की जो वर्दी है वो फिलहाल बदल गई है और अब एक ही वर्दी में यूपी की ट्रैफिक पुलिस नजर आएगी। तो यातायात पुलिस के कर्मी खाकी रंग के बजाय अब नीले रंग की वर्दी में नजर आएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, ये बदलाव यहां पर किया गया है, जहां पर पहले तक ट्रैफिक पुलिस के कर्मी खाकी वर्दी में नजर आते थे, अब वो नीली वर्दी में नजर आएंगे। तो ये बदलाव सामने आया है, तो नीले रंग की एक वर्दी होगी और एक ही रंग में अब सब नजर आएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रैफिक को लेकर, ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स को लेकर सिपाही तक की ये वर्दी बदली जाएगी। अब तक अलग अलग हुआ करती थी और अब एक ही वर्दी में ट्रैफिक पुलिस के जो कर्मी हैं वो एक ही कलर में, एक ही रंग में नजर आएंगे। तो पहले खाकी रंग में नजर आते थे सिपाही, लेकिन अब नीले रंग में, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक जो भी है यहां पर नीले रंग में नजर आएंगे, सिपाही हो या इंस्पेक्टर हो। तो बदलाव यहां पर ये किया गया है, जो सिपाही पहले तक खाकी वर्दी में नजर आते थे अब वो नीली वर्दी में नजर आएंगे। तो चाहे इंस्पेक्टर हो या फिर सिपाही, कोई भेदभाव नहीं, बदलाव यहां पर ये किया गया है। हालांकि बदलाव क्यों किया गया है अब जाकर ये अभी फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन ये बदलाव किया गया है, बेहतर है इंस्पेक्टर हो या फिर सिपाही हो, सभी अब एक ही वर्दी में नजर आएंगे। कोई फर्क यहां पर सिपाही और इंस्पेक्टर में नजर नहीं आएगा।